रोड ट्रिपिंग का सबसे पहला रूल है कि जब आप रोड में हैं तो आपकी टंकी बिल्कुल फुल होनी चाहिए, और अगर टंकी थोड़ी खाली हो तो उसको रोक के आप रिफ्यूल करिए। और हम लोग का भी वो वाला सिस्टम है कि जब हमारा फ्यूल थोड़ा कम हो जाता है, जब थोड़ी सी थकान आती है, हम रोक के रिफ्यूल करते हैं, और वो हम यहाँ पे कर रहे हैं देवभूमि भोजनालय। जी हाँ, और ये है कांगो में, और कांगो है सतलुज नदी के किनारे। तो जब आप यहाँ से आएंगे, शिमला से जब आप मंडी की तरफ जाएंगे, तो छोटा सा कांगो आपको मिल जाएगा रास्ते में, और सतलुज नदी के साथ साथ आप चलेंगे, बड़ा ही खूबसूरत नजारा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, और राइडिंग का तो अपना मजा ही अलग है। तो हमारी मोटरसाइकिल्स पे हम लोग आए बड़े मजे से, लेकिन साफ हवा से भूख बहुत ज्यादा लगती है। मैंने भूत बोल दिया, डर सा लग गया मुझे, भूख बहुत ज्यादा लगती है। तो भूख के हिसाब से हमको जो पहली जगह मिली वो ये थी, और ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है क्योंकि रास्ते में बहुत सारी जगहें बंद हैं अभी। तो स्ट्रोक ऑफ गुड लक, और यहाँ पे हमें मिला बड़ा सिंपल खाना, मतलब बेसिक जिंदा रहने लायक, बस थोड़ा सा बटर चिकन, थोड़ा सा मतलब इतना सा छोटा सा एक बाइट लायक थोड़ा सा। और इसके अलावा हमें मिला, मुंह पानी आ रहा है, चिकन मसाला बहुत जबरदस्त टाइप का, और ये है खड़े मसाले और मिर्चियों के साथ बनाया हुआ, तो बड़ा ही मज़ेदार। और बेस्ट पार्ट ये है इस इलाके में कि खाना जो आपको मिलेगा चटपटा मिलेगा, रेडी टू ईट मिलेगा, फायरी मिलेगा, गर्म मिलेगा, हीट होगी उसमें, मिर्ची होगी, और टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त होगा। तो ये तो मेरा हिसाब, आपको क्या मिला भाई? सारे काफ़ी कुछ है मेरे पास, काफ़ी कुछ, क्योंकि मैंने आके ऑर्डर दिया था, तो सबसे पहले सारी जो थी शाकाहारी डिशेज ऑर्डर की थी। एक मेरे पास दाल फ्राई है, कड़ी पकौड़ा है, यहाँ पे पालक पनीर है, रायता है, जीरा राइस है, गरम गरम रोटियां हैं, और मेरे को पता है बिना एक बाइट लेके यहाँ पे खाना अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो भाई साहब है जो यहाँ पे ओनर है, मैंने उनको आके बोला कि देखिए जी, जो मेरा दोस्त है ना वो मीट भी खाता है, आपके मेन्यू में कुछ नहीं, कहता है जी मैं मंगवा दूंगा। मैंने कहा फिर मैं आपको बोलूँगा, दिखाऊंगा, फिर लोग आके कहेंगे आप मीट खिलाओ। तो उन्होंने पता बोला, उन्होंने बोला कि यहाँ से जो भी आएगा वो निराश नहीं होके जाएगा। तो जब इतना अच्छा सिंपल इथोस है सर्विस का, तो खाना बहुत ही अच्छा होने वाला है। और जब आप अच्छे ढाबे को ढूंढते हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि बाहर एरिया साफ और खुला हो, जब आप अंदर आए तो सफाई एकदम टिप टॉप हो। ये तो खैर टेबल क्लॉथ जो है तो बोनस है, टेबल क्लॉथ ना भी हो लेकिन साफ सफाई खूब हो, जैसे कि यहाँ है, खुला हो, हवा हो, लॉट्स ऑफ लाइट हो, और जब आप बैठ के ऑर्डर दें तो 10 मिनट के अंदर अंदर गरम गरम खाना आपके टेबल पे आ जाए, बड़े प्यार से प्रिपेयर किया गया। तो ये एग्जैक्टली सब कुछ यहाँ हुआ है, और आप ठीक कहते हो, खाना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। काश मुझे दोस्त भी ऐसा मिल गया होता तो क्या बात होती यार। प्लीज कमेंट्स में डाल दीजिए या कुछ बता दीजिए इस आदमी को। एक तो मैं आया जहाँ पे लिखा था शाकाहारी, वहां पे मैंने स्पेशली डिशेस चिकन ऑर्डर की, ऊपर से आके फिर गालियां बिकाओ, ठीक है कोई बात नहीं। इस जगह की एक और बड़ी अच्छी खासियत है कि अगर पैक एरिया में आप जाएंगे तो वहां पे एक खुली सी बालकनी है, वहां पे भी दो तीन टेबल है, वहां से बड़ी अच्छी व्यू आपको मिलती है फॉरेस्ट की, पहाड़ की, तो आप उसका भी मजा ले सकते हैं, वहां पे थोड़ी चाय पी सकते हैं जब तक आप वेट कर रहे हैं आपका खाना है, लेकिन खाना आ बड़ी जल्दी जाता है। और हमने मयूर तो खैर जो ऑर्डर किया जो किया, मैंने सिर्फ चिकन इसलिए ऑर्डर किया है क्योंकि पहाड़ों में जो मटन की जो बुचरिंग होती है, जो काटते हैं, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती। बहुत थोड़ी जगह ऐसी है जहाँ पे अच्छा मटन आपको कटा हुआ मिल जाएगा, तो यहाँ पे हर पीस में हड्डी होती है, हर पीस में फैट होता है, खाने लायक मज़ा नहीं आता खाने में। तो इसलिए मैंने अभी चिकन ऑर्डर किया है, अगर और आगे जाके हमें कुछ अच्छा मटन मिलेगा तो वो भी ऑर्डर करेंगे, लेकिन मटन भी मिल जाएगा आपको, चिकन और मटन सब जगह मिल जाएगा आपको। तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, जल्दी से खा, मेरे को लग रहा है कि शायद मैं थोड़ा ज़्यादा खा लूँ। इन्जॉय। एक चीज़ और याद रखिए, ढाबों की ये स्पेशलिटी होती है कि इन मोस्ट केसेस जो है, जो ढाबा है वो आपको बिल्कुल फ्रेश खाना सर्व करेगा, एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज आपको अच्छी क्वालिटी का खाना मिलेगा। क्योंकि देखिए ढाबा के प्राइमरी जो कस्टमर होते हैं ट्रक वाले होते हैं, मोटरिस्ट होते हैं, तो अगर आप नॉर्मल रेस्टोरेंट में किसी को खाना दोगे और उनको नहीं अच्छा लगा वो क्या कहेंगे, बोला खाना अच्छा नहीं था, अगली बार नहीं आएंगे। लेकिन आप बहुत भूखे ट्रक ड्राइवर को जो बहुत घंटों से गाड़ी चला रहा है आके बैठेगा, उसको खराब खाना दोगे तो सोचो आपके ढाबे का क्या होगा। इसलिए अच्छा खाना नॉर्मली गारंटीड होता है ढाबे पे। खाई 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 खाई। तो शिमला से मांडी तक जब आप आएंगे तो ज्यादातर खाने की जगहें बंद थी, तो हमें बड़ी मुश्किल से ये जगह मिली थी, और लकीली खाना बड़ा सॉलिड था, लेकिन आई थिंक थोड़ा ज्यादा ही खा लिया मैंने। हाँ, मतलब जिंदगी में पहली बार हुआ होगा ये रॉकी के साथ ज्यादा खा लिया। नहीं यार, आई एम फीलिंग हैवी, अब मैं इतनी दूर जाना है तो मेरे को थोड़ा सा हैवीनेस हो रही है। डोंट वरी, जो हमारी मीटियर 350 मोटरसाइकिल है
उसपे नंबर वन ग्राउंड अप 350cc इंजन रीडिजाइन हुआ है, वेरी लो वाइब्रेशन। सेकेंडली अब आगे अच्छा हाईवे है, हाईवे 154, एंड दीज मोटरसाइकिल्स अब परफेक्टली बिल्ट, मतलब आप हाईवे क्रूजिंग कर सकते हो उस पर, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं है, और इनको सड़क भी है काफ़ी खूबसूरत है, तो काफ़ी रिलैक्सिंग ड्राइव रहती है, काफ़ी रिलैक्सिंग राइड रहती है। तो आगे जाके देखते हैं और क्या है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप अपने मैप्स पे फ़ोन पे ये रास्ता ढूंढते हुए आ रहे हैं तो आपको दो तीन जगह काफ़ी कंफ्यूजिंग सिग्नल मिलेगा मैप से, क्योंकि जो मेन हाईवे जो है जो यहाँ तक आता है उसके लिए दो तीन और शॉर्टर ऑप्शंस हैं, लेकिन सड़क काफ़ी ख़राब है। तो सजेशन यही है कि मेन हाईवे पे रहिए और ध्यान से गाड़ी चलाइए। राइट अब चलें चलें, कब पे हो गए?